हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बायोलॉजी में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोकॉर्डेटा पढ़ा था और इस बार हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। तो यूरोकॉर्डेट्स के अंदर जो क्लासिफिकेशन है हम उसी को आज डिस्कस करेंगे। यूरोकॉर्डेटा जो सब फाइलम है ये डिवाइड है तीन क्लासेस के अंदर। सबसे पहले जो क्लास है वो है एस्काइडेसिया, दूसरा है थैलेसिया, तीसरा है लार्वेसिया। ठीक है, ATL याद रखो, एस्केडेसिया, थैलेसिया एंड लार्वेसिया, ये जो तीन क्लासेस हैं ये सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम जो क्लास एस्केडेसिया है, एस्केडेसिया के अंदर हम जो जनरल करेक्टर हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो जनरल कैरेक्टर जो पहला है ये है कंप्राइजेस मोस्टली ब्राइटली कलर्ड मैरीन एनिमल्स। तो ये ज्यादातर जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं मैरीन एनिमल्स वो ही कंप्राइज करते हैं जो एस्काइडेसिया होते हैं क्लास के अंदर जो आते हैं। और जो सम स्पीशीज जो हैं ये सोलिटरी होती हैं। सोलिटरी का मतलब क्या होता है कि ये लिविंग एलोन, ये अकेला रहना पसंद करती हैं। अदर्स आर कॉलोनियल, और कुछ कॉलोनीज बनाती हैं, कॉलोनीज के अंदर रहती हैं और कुछ अलग रहना चाहती हैं। एडल्ट्स आर सिसाइल बट लार्वा आर प्लैंकटोनिक एंड डू नॉट फीड। एडल्ट जो होते हैं वो सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब होता है इमूवेबल, जो फिक्स्ड होते हैं अपनी जगह पर, उनको हम सिसाइल बोलते हैं। और क्या होते हैं प्लैंकटोनिक, प्लैंकटोनिक मीन्स के जो ये स्विम करते हैं वीकली ऑन वाटर सरफेस। एडल्ट्स जो हैं हैविंग सैक लाइक बॉडी कवर्ड बाय ट्यूनिक, जो इनकी एडल्ट होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सैक लाइक होती है और जो बॉडी कवर होती है एक रबड़ी आउटर कोट होती है। जिस तरह से आप एस्काइडियम के अंदर देखोगे, कलाइना के अंदर देखोगे, हार्डमोनिया के अंदर देखोगे, ये इसकी एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स characters that were present during larval period disappear during metamorphosis into adult. अब क्या होता है जब ये larval form में होते हैं, larval form से जब ये adult में जाते हैं तो बहुत से जो characters होते हैं इनके अंदर वो disappear हो जाते हैं जब इनके अंदर metamorphosis होती है। metamorphosis means कि जो development process होती है larva से adult तक, उसी process को हम क्या कहते हैं कि metamorphosis। और हम एडल्ट को देखें, नर्व सिस्टम जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है नर्व गैंग्लियन के अंदर। और सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है एसिडिया है, फिर क्या है क्लोइना है, फिर हार्डमोनिया है, ये जो तीन जो है ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे एक डायग्राम यहां से जहां से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आप एस्केडिया जो आप देख सकते हैं किस तरह का होता है। ये एस्केडिया है, एस्केडिया के अंदर ये ओरल और ब्रैंकियल एपर्चर है, ओरल और ब्रैंकियल साइफन है, ये एट्रियल एपर्चर है, ये एट्रियल साइफन है और ये सबस्ट्रेटम है और ये फुट है। ये एस्केडिया जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर होते हैं जो हमने अभी पढ़ा क्लास जो पहली है एस्काइडेसिया के अंदर जो आता है। उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास क्या है वो है थैलेसिया। थैलेसिया क्या होता है आप देखो, हम क्लास थैलेसिया के अंदर पढ़ेंगे। अगर हम देखेंगे इसके हम पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। दीज आर फ्री लिविंग पिलेजिक यूरोकॉर्डेट्स। ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल अपर लेयर ऑफ द जो ओपन सी होते हैं वहां पर ये रहते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। The tunic is transparent and thin. लेकिन जो इनकी बॉडी की कवरिंग होती है ना, जो रबड़ी जैसी होती है, वो क्या होती है, वो ट्रांसपेरेंट भी होती है और बहुत थिन होती है, नॉट थिक, थिन होती है। They possess encircling circumferential bands of muscle within the wall of the chest. Incurrent and excurrent siphons are present at opposite end of the body. अब जो इनकरंट या एक्सकरंट जो सैफन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अपोजिट एंड ऑफ द बॉडी दोनों प्रेजेंट होते हैं। और कुछ ए फ्यू फ्रेंजल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, और इसके अंदर कुछ जो फ्रेंजल गिल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं।
इन द लाइफ साइकिल पॉलीमॉर्फिज्म एंड क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस आर एविडेंट। अब देखिए इनके अंदर जो क्या होती है पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म की जहाँ पे उन्होंने बात की सर, क्या मतलब होता है कि ये अपनी जो शेप है उसको बहुत सी फॉर्म्स बनाते हैं, मेनी फॉर्म्स। अब जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डोलियोलम और सेल्पा, ये इसकी क्या है बेस्ट एग्जांपल। चलो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक एग्जांपल जहाँ से आपको एक क्लियर शेप नजर आएगी। ये देखिए, ये है पहले जो है ये क्लाइना है, ठीक है ना, हार्मोनिया, ये जो बी पार्ट है ये हार्मोनिया है, और जो सी है ये सेल्पा है, और जो डी है ये डोलियोलम है, ठीक है ना। डोलियोलम जो है ये डी पार्ट है और सेल्पा जो है ये सी पार्ट है, ठीक है ना। ये आप शेप देख सकते हैं जो कि थैलेसिया क्लास के अंदर आते हैं। ओके, उसके बाद जो लास्ट क्लास है इसके अंदर वो क्या है, लार्वेसिया। अब लार्वेसिया से आपको पता चल गया होगा कि ये यहाँ पे इसने लार्वेसिया मींस जो लार्वा मींस ये होते हैं टेनी मैरीन प्लेक्टोनिक यूरोकॉर्डेट्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होते हैं। और जो लार्वेसिया है इसका नेम इसी तरह आया क्योंकि जो एडल्ट होते हैं ना उसके जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो लार्वा के साथ सिमिलर होते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी यहाँ पे लार्वेसिया बताया गया। और इनके अगर हम बात करें, दे प्रोड्यूस रिमार्केबल फीडिंग एपरेटस हाउस होता है इनके अंदर प्रेजेंट, फिल्टर फीडिंग होते हैं ये, और जिलेटिन मैट्रिक्स के ऊपर ये एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो ये है कुछ लार्वेसिया के बारे में, हम कंटिन्यू करेंगे कुछ करेक्टरिस्टिक। द ट्रंक होल्ड मेजर बॉडी ऑर्गन, सबसे ज्यादा जो बॉडी ऑर्गन्स को होल्ड कौन करता है, ट्रंक करता है। जो टेल होती है वो थिन होती है और फ्लैट होती है। मसल्स बेंड एक्ट ऑन नोटोकॉर्ड टू प्रोड्यूस मूवमेंट, ठीक है ना। जो मसल्स बेंड होते हैं किस पे एक्ट करते हैं, नोटोकॉर्ड पे, क्यों, ताकि वो प्रोड्यूस करे मूवमेंट्स को। ए ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑल स्पीशीज एक्सेप्ट वन आर मनुष्यस एंड मोस्ट ऑफ दीज आर प्रोटेंड्रस। तो इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, ओक्यो प्लूरा, और दूसरी क्या है एपेंडिकुलेरिया, ये इसकी दो एग्जांपल है। अब यहाँ पे दो चीजें जो समझानी है वो ये है कि मोनोशिस क्या हुआ और प्रोटेंड्रस क्या हुआ, प्रोटेंड्रस क्या हुआ। जो मोनोशिस होता है, मोनोशिस जो होता है इसका मतलब होता है जो बोथ मेल एंड फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो सेम होते हैं, ठीक है ना, सेम इंडिविजुअल में होते हैं। और जो प्रोटेंड्रोमस जो है, प्रोटेंड्रस जो है ये क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये कम टू मैच्योरिटी बिफोर द फीमेल। तो ये था हमारे आज जो लेक्चर, पहले हम इसकी हम कुछ देख लेंगे, हम इसकी कुछ पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको एग्जांपल, ठीक है ना। एग्जांपल इसकी जो हमने पढ़ा ओक्यो प्लूरा और एपेंडिकुलेरा, हम पहले देखते हैं इनकी शेप कैसी है, तब जाके आपको जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये देखो आप, जो ये ए है ये ओक्यो प्लूरा है, जो बी है ये इसकी फ्री फ्लोटिंग फॉर्म है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं आराम से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन यूरोकॉर्डेट्स की। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये टॉपिक है ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डिफिकल्टी आए समझने में तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9797223772, तो आप इस पर भी मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके ताकि हर एक को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, ठीक है ना। 9797223772 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है।